अभ्यर्थवाणी कर लीजिए 21 अक्टूबर 2005 की। और 5-3 की पहली लाइन में बात कर रही थी, सेवा यथार्थ वो है जिसमें खुशी मिले और हल्कापन हो, क्योंकि प्राप्ति होती है ना, और जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ थकावट होती है क्या? कई बच्चे पुरुषार्थ भी ऐसा करते हैं, भारी पुरुषार्थ मेहनत का करते, फाउंडेशन है मोहब्बत अर्थात स्नेह, बाप और बच्चे का स्नेह, सेवा से आत्माओं को बाप से स्नेह का फल मिलता है। तो सेवा भी करते हैं तो कभी भारी रूप नहीं होता, सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि मोहब्बत वाली सेवा बोझ रूप नहीं है। सेवा सदैव हल्का बनाने वाली होती है। तो पुरुषार्थ भी मेहनत से नहीं करो, बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है, है मास्टर सरस्वतीवान, और फिर मेहनत महसूस करते हैं। क्या ये मास्टर सरस्वतीवान का टाइटल अच्छा लगता है? न पुरुषार्थ में न सेवा में। तो बाप दादा ने देखा इन्हों की रिजल्ट का समाचार सुना, उमंग उत्साह से कर रहे हैं, और विशेषता ये है कि अपने आपस में ही हेल्थ निकाल के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो कई कहते हैं सेवा बहुत है और हैंड्स नहीं है, अगर हैंड्स हो गए तो सेवा बढ़ जाएगी, लेकिन इस ग्रुप ने ये मांगनी नहीं की है। इस ग्रुप की बात हो रही होगी है? अफ्रीका ग्रुप की। अपने ही हैंड्स निकाल के आगे बढ़ रही है, ये इनकी विशेषता है। अपने ही हैंड्स तैयार किए, कैसे भी किए लेकिन किए, तैयार करते हैं और बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य वृद्धि की है ना, तो क्या विशेषता सुनाई थी? जितनी जोन में सेवा नहीं है हुई है उतनी अभी हो गई है, और फास्ट सेवा हुई है, मुबारक हो, अच्छा कर रहे। अभी ये पीस ऑफ माइंड ग्रुप है, अच्छा किया,
अभी जो रूप आया उनको पाना करना जैसे स्थापना की तो पालना भी करते हैं कनेक्शन नहीं तोड़ना कुछ न कुछ उन लोगों को भेजते रहो कनेक्शन जोड़ते रहो ये ठीक बात है ना। बाप दादा ने समाचार सुना है तो ये जो करते हैं कार्ड ऑफ टाइम वाले कुछ न कुछ भेजते रहते हैं तो कनेक्शन रख रहे हैं ना। ऐसे आप तभी भी कनेक्शन करते रहो कौन है कार्ड ऑफ टाइम वाले और कहां कुछ न कुछ भेजते रहते हैं नाम दिया पीस ऑफ माइंड ग्रुप बताया कनेक्शन रख रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं कि हिम्मत हार के बैठ गए हैं कोई सुनता ही नहीं है कोई रिस्पॉन्ड आता ही नहीं है अभी भी कनेक्शन रख रहे हैं ना। कौन किससे कनेक्शन रख रहे हैं है? ऐसे आप सभी भी कनेक्शन रखते रहो माना अभी तक कनेक्शन रखा नहीं है लेकिन कनेक्शन रखने के लिए बोला है चलो पहले संपर्क में आए फिर संबंध में आए अभी तो संपर्क में भी नहीं आए। संबंध तो गहरी बात होती है किससे किसका संपर्क किससे किसका संबंध है पहले संपर्क में आवे फिर संबंध में आवे फिर संबंध में आके आके ब्राह्मण बन गए ब्राह्मण नहीं मैंने शुद्ध बने हुए अभी तक किसकी बात हो रही है अफ्रीका और पीस ऑफ माइंड ग्रुप कौन सा है एरोन पर तो पहले संपर्क में आ गए फिर संबंध में आ गए और संबंध में आते आते क्या बन जावे ब्राह्मण बन जावे ब्राह्मण मन ब्रह्मा के बच्चे अभी तक ब्रह्मा मुख की बात मानने वाले बच्चे नहीं बने अरे अभी तक ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा के द्वारा मुख्य डायरेक्शन क्या है पवित्र बनो योगी बनो तो ब्राह्मण बन जाएंगे तो आगे बढ़ाते रहो उन लोगों को क्या अभी किसकी तरफ से बोल रहे हैं अध्यक्ष बाप दादा आगे बढ़ाते रहो उन लोगों को
इसकी तरफ से बोल रहे हैं है? अफ्रीका पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं किन्हों को आगे बढ़ाते हो तथाकथित ब्राह्मणों को। अरे संपर्क और संबंध किससे जोड़ने की बात की है शुभावत बीच वाले सुन लो पीस ऑफ माइंड ग्रुप अच्छा किया। अभी जो ग्रुप आया उनको पालना करना जैसे स्थापना की ना तो पालना भी करते रहना कनेक्शन नहीं तोड़ना। क्या पालना भी कुछ न कुछ उन लोगों को भेजते रहो। कौन भेजता है ईस्ट ऑफ माइंड और ग्रुप वाले कुछ न कुछ भेजते रहो कनेक्शन जोड़ते रहो ठीक है ना। बाप दादा ने समाचार सुना है तो ये जो करते हैं काल ऑफ टाइम वाले कुछ न कुछ भेजते रहते कौन है काल ऑफ टाइम वाले एडवांस पार्टी है ना। तो कनेक्शन रख रहे हैं ना ऐसे आप सभी भी कनेक्शन रखते रहो। आप सभी भी कौन अफ्रीका चलो पहले संपर्क में आए फिर संबंध में आवे फिर संबंध में आते आते ब्राह्मण बन जाएंगे ब्राह्मण बन जाएंगे तो आगे बढ़ाते रहो उन्हों बीच बीच में उन्हों को बुला के चाहे भिन्न भिन्न देश के वहां बुलाया लेकिन आप उसकी जिम्मेवारी लो। बुलाया क्या उसकी रिजल्ट है तब आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम अच्छे करते हो लेकिन पालना कम होती है। पालना न मिलने से क्या होता है जन्म तो ले लिया लेकिन बढ़ती नहीं आयु विचारों की वो ही रहती है और आयु आगे बढ़ती नहीं है तो ऐसे अभी करना किया अच्छा है। बाप दादा तो वतन में बैठे भी देखते हैं समाचार भी सुनते हैं समाचार बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है थकते नहीं है तो मुबारक हो संदेश देने वाले संदेश बाहर बने इसकी मुबारक हो। अच्छा ताली बजाओ। पीस ऑफ माइंड के कुछ सैंपल बैठे बाप दादा ने सबको आगे बुलाया कुछ कितने सैंपल होंगे एडवांस पार्टी से प्लानिंग पार्टी से पीस ऑफ माइंड के कुछ सैंपल जो सामने बैठे हैं उन सबको आगे बुलाया टोटल 6 हैं। ये देखो कितना एग्जाम्पल अच्छा है। तो दिल से आप सभी को ये सब ब्रह्मात्मा पीसफुल बनने की मुबारक दे रहे हैं। तो पीसफुल बनने की मुबारक। अभी नया जन्म हुआ ना नया जन्म होता है
तो समाज परिवार बदल जाता है, जैसे कि दुनिया ही बदल जाती है। तो आज बर्थडे हो गई, तो आपके बर्थडे की मुबारक दे रहे। अच्छा, तो देखो सेवा की तो फल मिली, अभी आगे बढ़ो। अच्छा, अगला ग्रुप इंटरफेस कोर ग्रुप। अच्छा, ये इंटरफेस वाले हैं। अच्छा, ये सेवादारी होकर के आए, सबको संदेश देने में यह भी क्यों रह जाए, तो अच्छा किया इस ग्रुप को भी बुलाया। और विशेष बाप दादा ने देखा कि इंटरनेशनल ग्रुप में किया, देश और विदेश ने मिलके एक संकल्प लेकर के किया, ये बहुत अच्छा किया और सक्सेस भी हुआ। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम सक्सेस किया है, इसकी मुबारक। और आगे भी इस ग्रुप को बढ़ाते रहना, क्योंकि ये तो आपके साथी है ना, आध्यात्मिक तो है ना। इन्हों में से एक भी परिवर्तन हो के माइक बने तो बहुत सेवा कर सकता है। तो अच्छा किया, बाप दादा खुश है और सभी भी खुश है, सभी तो ताली बजाई। आगे बढ़ाते रहना, छोड़ नहीं देना। जैसे ये काल ऑफ टाइम रहते हैं ना, काल ऑफ टाइम करते रहते हैं ना, ऐसे करते रहते, आगे बढ़ाते रहते। अच्छा, ज्ञान की फाउंडेशन और वैल्यू ट्रेनिंग ग्रुप, ये बहुत अच्छा। बाप दादा ने देखा नए 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 बच्चे विधि द्वारा संदेश पहुंचाने का कार्य अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हेल्थ कॉन्शियस सबसे ज्यादा है। 21 अक्टूबर 2005 की वाणी का छठा पेज, तो इस विधि से एक किताब भी दिखाया था बाप दादा को, वो भी अच्छा सेवा के निमित्त बनेगा। लेकिन जैसे नाम है फाउंडेशन, वैसे ही याद और सेवा का फाउंडेशन कंबाइंड करते हुए ज्ञान की फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहे, ये ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आपकी सेवा विस्तार में बहुत आगे बढ़ सकती है, अभी भी बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। ये वैल्यू का बुक देखा, अच्छे उमंग उत्साह से सेवा करने का फल प्रत्यक्ष मिलता है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने नजदीक आते जाएंगे। ये सब तरफ की है, जो भी फाउंडेशन है अलग अलग है, वो इस फाउंडेशन में समीप आते जाएंगे। थकते तो नहीं है ना, डबल सेवा करते हो, जाप भी करते हो और ये भी करते हो, तो डबल सेवा डबल विदेशी, इसकी डबल मुबारक। बहुत अच्छा, आई थी। अच्छा, ये देश विदेश की एक अच्छा है, कोई नया प्लान बनाया है
नया व्यवसाय बनाया है। अच्छा, नया बनाया और मुरली का नया सिस्टम शुरू किया। उसके अलावा क्या ईमेल का सिस्टम क्या बनाया है? क्योंकि इससे आवाज तो चारों ओर फैल सकता है। इसको एक आग रो के नए नए प्लेट बनाते जाओ और बढ़ते जाओ, क्योंकि देश विदेश दोनों का कनेक्शन है ना। जितना इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाते जाएंगे, उतना एक स्थान पर बैठे हुए बहुतों को संदेश दे सकेंगे। ये बहुत अच्छा साधन मिला है। साधन द्वारा संदेश देने का कार्य यही आपके डिपार्टमेंट की साधना हो जाएगी। अच्छा किया है। ये मोहिनी हैंडल करती है। अच्छा देखो, वह पीस वाला करती, वह कार ऑफ टाइम करती, अच्छी स्थिति। बाप दादा डबल विदेशियों को भिन्न भिन्न सेवा की मुबारक के साथ दुआएं भी दे रहे हैं। ब्रैकेट में लिखा है दादी भी दुआएं दे रही है। ट्रैवलर फिल्म ग्रुप ये फिल्म बनाई रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि आजकल कल्चरल प्रोग्राम भी सबको पसंद आता है। पूरा कोर्स करा लेते हो, कल्चरल में ही सारा कोर्स हो जाता है। ये बहुत अच्छे है। बाप दादा को भी पसंद है, देखा भी, अच्छा करेंगे। आपके लोग ही कहेंगे, अभी दिखाएंगे, लेकिन बाप दादा ने देख लिया। इन साधनों द्वारा तो फिर भी देख लेंगे, लेकिन बाप दादा के पास आपसे बहुत बड़ी मशीनरी है और उसमें बाप दादा ने देख लिया। अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करते रहेंगे। बहुत अच्छा। मिडिल ईस्ट सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे रतन है। एक एक की विशेषता अपनी अपनी है। करावन हार कराया रहा है और आप बच्चे निमित्त बनके कर रहे हैं। सब अच्छे उमंग उत्साह का सर्टिफिकेट दादियों द्वारा मिला है। इस बात की तो बहुत बहुत मुबारक। लेकिन इसका कारण क्या है? जिस भी सेवा स्थान का की सेवा वृद्धि को प्राप्त होती है और निर्विघ्न होते हैं, तो उसका कारण क्या होता है ये जानते हो? उसका कारण होता है पालना। कई सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं। इसलिए अच्छी पालना न होने के कारण स्टूडेंट से भरते नहीं और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं आएंगे। तो अभी ये रिजल्ट है पालना का। सभी जो भी टीचर्स निमित्त बैठी है, वह जितनी भी आईटी का टेंशन रखते हो, उतनी पालना स्टूडेंट की भी रखो। स्टूडेंट में नवीनता लाओ,
कोई ना कोई नवीनता लाने से उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। बहुत बिजी हो जाते हो, सेवा में बिजी होने से फिर थक जाते हो, फिर पालना इतनी रुचि से नहीं करते हो। तो पहले तो राजधानी तैयार करो, और वो राजधानी तो स्टूडेंट से ही होगी ना, तो दिल से पालना करो। एक एक की कमजोरी हटाने की मेहनत करो, इक्कीस अक्टूबर 2005 की वाणी का साथ होती, खुशी खुशी से मेहनत करो, बोझ वाली नहीं। क्योंकि क्लास के स्टूडेंट जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतनी राजधानी जल्दी तैयार होगी। जो अभी सहयोगी है उनको संबंध में लाओ और स्टूडेंट बनाओ। बाकी तो अच्छा है, टीचर्स की महिमा सुनी थी, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छे प्लान बना रहे हैं, तो वो टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा, आपको लाख गुना बधाई हो। अभी एक मिनट ऐसा पावरफुल सर्वशक्तियां संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो परिता बच्चों को सदा सुदर्शन द्वारा सबको चेक और चेंज करने वाले ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमानदार बच्चों को सदा डबल लाइट वन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले परिस्कार सो आत्माओं बच्चों को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर टैच अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सच्चा सचिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। दादी होती दादियों को देख करके खुश होते हैं ना, बस दादी की मुस्कुराती हुई सूरत और दृष्टि बहुत सुखदायी है। आप जब मुस्कुराकर मिलती हो, दृष्टि देती हो ना, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, मुस्कुराए रही है। बाप दादा ने तो कहा है सदैव चेहरा मुस्कराना चाहिए, सभी मुस्कराने के बिना कभी भी नहीं हो। देखो दादी कह रही है मुस्कराएंगे नहीं तो मुश्किलें आ जाएंगी। कोई ने कहा दादी तो सिर्फ इशारा करती है, दादी फरिश्ता बन रही है ना, फरिश्तेपन की स्टेज आ रही है, मुस्कराने में सब कुछ आ जाता है। बहुत भाषण किया है ना, जब से जन्म लिया है तब से भाषण किया है, इसलिए अभ्यक्तवाणियों में दादी का नाम क्या रख दिया और दीदी को क्या टाइटल दिया। दादी को टाइटल दिया माइक और मनमोहनी दीदी को टाइटल दिया माइक। तो इसने बहुत भाषण किया है, जब से जन्म लिया है तब से भाषण किया, क्लास कराई
आदि सोलोगन मुआफिक बोलती है, परीक्षा बन करके डांस करती है। परीक्षा और क्या करता है, उड़ता है और डांस करता है। अच्छा डबल फॉरेनर्स ने कहा है कल से 85% बन जाएंगे। दादी तो है 95%, बस काफी करो। कोई सीरियस बने ना तो उसको टाइटल देना गैस का गुब्बारा बन गया। गैस का गुब्बारा होता है ना, तो जब गंभीर हो जाते हैं तो गैस भर जाता है। व्यर्थ संकल्पों का गैस भर जाता है। कोई को बोलना नहीं, गुब्बारा नहीं तो और भी गैस भर जाएगी। तो गुब्बारा किसी को नहीं बोलना। अगर किसी को सामने बोल देंगे ये गैस का गुब्बारा है तो उसके अंदर और भी गैस भर जाएगी। इसलिए अंदर से शुभ भावना रखना। इन्हों को ही तो बनना है, और कौन बनेगा। तीनों बड़े भाइयों से तीनों ही आपस में एक संकल्प करके चल रहे हैं। एक ही संकल्प तीनों का है। हाँ जी हाँ जी, सब की दुआएं आपको मिल रही हैं। मिलती है ना, अच्छा है। पांडवों में भी एग्जाम्पल तो है ना, बहुत अच्छा। सोमनाथ वालों को भी याद दी, वहां की सेवा अच्छी हो रही है। उन्हों को भी सेवा के आज की मुबारक। ब्रैकेट में लिखा है प्रेसिडेंट हमेशा बाबा का संदेश पूछता है कि बाबा ने क्या संदेश दिया। उनको याद रहता है कि संदेश आया है। तो देखो ये एक ही प्रेसिडेंट है जिसमें तीन सत्ताएं हैं। साइंटिस्ट भी है, राजनेता भी है और धर्म में भी रुचि रखता है। जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं और प्रेसिडेंट ऐसा कोई नहीं हुआ है, तो इसका भी पार्ट है। आध्यात्मिक रास्ते में रुचि है इसलिए आध्यात्मिक रास्ते का साथ ही है। विदेश की बड़ी बहनों, अच्छा ये डबल सेवादारियों की सेवा के निमित्त बने हुए। बाप दादा के पास समाचार तो आता ही रहता है और सभी अच्छी तरह से संभाल भी रहे, चक्कर भी लगाते रहते हो। बाप दादा को अच्छा लगता है, आपस में जब मिलते हो प्लान बनाते हो। तो संगठन की शक्ति को प्रयोग करते हो, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि हर एक की विशेषता अपनी अपनी है।
विचार कोई समय किसी का बहुत अच्छा निकल आता है तो आपस में मिलते रहो, मीटिंग करते हो, ये बाप दादा को अच्छा लगता है। अभी आप लोगों को पहले परिक्षेपण के नजदीक आना पड़ेगा। क्योंकि आप साकार रूप में एग्जाम्पल हो, साकार में अभी आप भी एग्जाम्पल हो, निमित्त हो, तो जैसी आपकी रफ्तार होगी वैसे औरों को भी हिम्मत मिलेगी, उमंग आएगा। सब पुराने कौन इसकी बात हो रही है, बड़ी बहने जो विदेश से विदेश में सेवा कर रही है, साकार बाप की पालना का रिटर्न है, फालो ब्रह्मा बाबा, सब में अव्वल नंबर, तभी तो अव्वल आत्मा बनी ना। सारे ड्रामा में अव्वल नंबर आत्मा, तो फालो ब्रह्मा बाप, और सबका प्यार, दुआएं मिलती है, अपना पुरुषार्थ तो है लेकिन दुआएं भी मिलती है, जिसके निमित्त बने हैं उनकी भी दुआएं मिलती है। ये भी लिखते हैं आप लोगों को ईश्वरीय गिफ्ट दी, उनका मॉरिशस में रिट्रीट प्लेस बन रहा है, अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छी सेवा होगी, अच्छा। डबल विजेती भाई बहनों ने बाप अदादा के पास नीचे लिखी सात बातों का चार संदेश द्वारा भेजा, जिसकी रिजल्ट पर आगे के पुरुषार्थ का इशारा दिया हुआ है। पहली बात स्व परिवर्तन की रफ्तार क्या है, अपने सम्मान में निरंतर स्थित रहकर दूसरों को सम्मान देता हूँ, सर्व से दुआएं ली हैं और दी हैं, सर्व खजानों का स्टॉक कहाँ तक जमा किया है, अपने मन को सेकंड में एकाग्र और निरंतर एक बना सकता हूँ, बिंदु बन बिंदु को याद कर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, सातवीं बात पिछले छह महीनों से खुशी शांति और शक्ति की किरणें फैलाते हुए ज्ञान सूर्य बना हूँ, हैदराबाद वालों का डिस्कशन बहुत पसंद आता है सबको, ये मुरली का टाइम कम कर दिया और डिस्कशन का टाइम बढ़ जाएगा। हाँ जी, क्या हुआ? हम तो जनरेशन है ना 4.5 लाख, तो सारे सारे वाइब्रेशन से पैदा होंगे क्या? अच्छा, 2-4 दृष्टि से पैदा करते हैं। चढ़ती कला वाले सत्य के नारायण के समान सब होंगे, सारे सत्यों के उतरती कला वाले होंगे सारे।
संकुल बने हुए हैं सारे धाम में, संगम की आत्मा है नारायण समान संपूर्ण बने हुए। नारायण कौन से समान? संगम जी, संगम जी लक्ष्मी नारायण समान। साढ़े चार लाख, साढ़े चार लाख यथा राजा तथा प्रजा का टेम्पल होगा, जैसा राजा होगा वैसे सब नारायण जैसे होंगे, नर से नारायण जैसे बनने वाले और नारी से लक्ष्मी जैसे बनने वाले। एक बार फिर से बोलिए। हाँ हाथ उठा के बोलिए, पता नहीं चलता कहाँ से आवाज आ रही है। हाँ हाँ अरे शक्ति तो सबसे पावरफुल होनी चाहिए ना, तो जो दृष्टि बाप दादा देंगे तो पावरफुल स्टेज कौन सी होती है? एक होती है मनन चिंतन मंथन की स्टेज और एक होती है बीज रूप स्टेज, तो पावरफुल स्टेज कौन सी होती है? बीज रूप स्टेज जो पावरफुल है उसी से आत्माओं को ज्यादा पावर मिलेगी। हाँ जी तो अपनी अपनी पावर शरीर से थोड़ी हो, इतने जितनी प्रैक्टिस की होगी उतना वो भर सकेगा अपनी बैटरी को। है मुरली बोला है कराची से मुरली निकलती चली आई है, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, बाप लिखाते थे और पांच सात पंद्रह पेज वो लिखते थे। तो पहले तो सिर्फ हैदराबाद में चलता था, उसके बाद कराची से मुरली निकलती चली आई है, माने जब सब कराची में जाकर के इकट्ठे हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ और बंधन टूट गए तो सब कहाँ इकट्ठे हो गए? कराची। तो बाबा को उमंग उत्साह जोर से आ गया, यही कहे कि जो बाबा ने उन्हें प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू कर दिया। तो मुरली चलाने वाला कौन? शिव बाबा। पता कैसे चलता है इसमें? बाप भगवान है, जब ज्ञान सुनाते उससे पहले तो ब्रह्मा बाबा ज्ञान सुनाते ही नहीं, कौन सुनाता था? पीयू सुनाता था, अथवा पीयू के साथ जो माताएं थी वो टीचर बन करके बैठती थी, तो साबित हो गया ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा कब प्रवेश करते हैं? सात साल की वानप्रस्थ अवस्था में ही शिव बाबा प्रवेश करते हैं। पहले प्रजापिता के द्वारा कार्य चलता था और सन 46-47 से ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाई जाती थी। हाँ जी माँ सभा माँ सभा बता दे दिया, माँ झाड़ू लेके तैयार करिए। कीड़े मकोड़े जैसे जो अवगुण दे रहे अवगुण जैसे गुण है, जो दुखदायी गुण है अवगुण है, अगर वो नहीं लगे निकले हैं तो हमारे ऊपर भी एक तो झाड़ू लग जाएगा। तो उनका पार्ट तो संधार कारिणी का पार्ट है ना, तो शंकर को संधार करना है।
बाप प्यार का सागर है या मार का सागर है? बाप प्यार का सागर है। अब इंतजार हो रहा है अम्मा का। उधर ब्रह्मा कुमारियां भी आज से लेकर के अंत तक इसका आह्वान करती रही ब्रह्मा। आवेंगे आवेंगे कब आवेंगे कितनी बार आवेंगे आवेंगे कि नहीं आवेंगे। और यहाँ पर भी आह्वान हो रहा है अम्मा का आह्वान हो रहा है तो अम्मा जल्दी आएगी है। दोनों है अम्मा जल्दी आए तो अच्छा है बाबा। अम्मा जल्दी आए तो अच्छा। बात ये है ना, बाप तो एक होता है लेकिन भारत में अम्माएं बदलती रहती है। लक्ष्मी नारायण का जो लक्ष्य है वो जगदम्बा का लक्ष्य नहीं है। नारी से लक्ष्मी बनना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है लेकिन जगदम्बा सिर्फ देवताओं की अम्मा है, मनुष्यों की अम्मा है या मनुष्यों से जो नीचे गिरे हुए राक्षस या पशु संप्रदाय है उनकी भी अम्मा है, उनकी भी अम्मा है। इसलिए वो तो जगदम्बा है और नारी से लक्ष्मी बनने का फर्स्ट लक्ष्य नहीं है। उसका पहला लक्ष्य है असुरों का संहार करना। और लक्ष्मी जो तब आती है जब कीड़े मकोड़ों की सफाई हो जाती है। तो दो माताएं हैं, एक का काम है सफाई करना और दूसरी का फिर आवाहन होता है। वो आवाहन करने के लिए कई साल पहले से अगर तुम्हारी में बोल रखा है कि विजय माता का आवाहन करो तो वो तो बात कर भूले हुए। ये अम्मा आए, ये अम्मा अपना काम करेगी, वो अम्मा अपना काम करेगी, वो स्थापना करेगी और वो विनाश करेगी। पहले काम कौन सा काम कराना है? विनाश का काम पहले कराना है। पहले विनाश होगा फिर स्थापना होगी? नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश होगा। पहले विनाश हो गया तो स्थापना कैसे? पहले विनाश कैसे हो सकता है? हाँ जी, और लक्ष्मी नारायण की पूजा होती ब्रह्मा जो विष्णु बनता है। हाँ जी, और हाँ बाबा अब्बा का मुरली क्यों नहीं? सब अम्मा का मुरली है। नहीं नहीं, जो बाबा ने मुरली बोला है कोई मम्मा के मुरली तो कोई बाबा के मुरली। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। हम तो शिव बाबा का मुरली है बाबा। शिव बाबा का मुरली है। शिव बाबा का मुरली है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। शिव बाबा तो हिंदी है, आप तो मोटे होते जा रहे हैं। और लक्ष्मी नारायण शुरू हो गया क्या? अकेले तो लक्ष्मी नारायण का 76 में पूरा हो गया। शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी, तो हम बच्चों का कल शुरू नंबर वार होगा। जैसे जैसे प्रत्यक्षता होगी वैसे वैसे शुरू होगा। बच्चों की अगर प्रत्यक्षता नहीं होती है तो शुरुआत कैसे होगी? पहले सिर्फ प्रत्यक्ष हो हाँ जी।
वो अंत का जन्म था ना, वो अंत का जन्म था ना 36 में प्रजापिता का, लेकिन अंतिम जन्म का भी अंतिम जन्म, क्योंकि अंतिम जन्म जो है वो तो प्रजापिता ब्रह्मा नाम है, और प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कितनी होती है, है? 100 साल, तो 100 साल का पूरा होता है 76 में, तो वो अंत का भी अंत का जन्म हुआ, 76 का टाइम जो हुआ वो अंत का भी अंत हुआ। हाँ जी, तब मैं आता हूँ, मैं आता हूँ माना बात क्यों, मैं आता हूँ। जब बच्चे की पैदाइश की पहली प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या बच्चों को पता होता है कि हमारी अम्मा क्या कर रही है, बाप क्या कर रहा है, है? वो तो ऐसी स्थिति है जिसमें कोई बच्चे को कुछ भी पता ही नहीं होता, वो पता लगना न लगना ये तो माँ बाप ही जाने, और कोई नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा, वो जो सागर में नीचे कमर के नीचे मछली दिखाई जाती है और ऊपर की ओर कन्या दिखाई जाती है, हाँ वो क्या है? अरे जैसे और सब थे, दत्तर का रावण था, 6 महीने सोने वाला कुंभकर्ण था, घोड़े का अवतार था, सुअर का अवतार था, तो ऐसे वो भी है ऊपर ऊपर से कन्या और नीचे से गंध करने वाली मछली, गंध माना व्यभिचार की गंध, सागर में रहती थी, सागर माना ज्ञान सागर। और आगे प्रोजेक्टर और फिल्म में अंतर ये होता है कि वो चलता हुआ होता है और बोलता हुआ होता है, और प्रोजेक्टर सिर्फ बोलता है चलता नहीं है, अचल होता है, स्थिर होता है, उसको समझाना पड़े सब कुछ समझ सकता है। हाँ जी, क्या प्रोजेक्टर तो जड़वत रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनके कर्मों से जाहिर होता है कि इन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया है, अच्छी याद कर रहे हैं, वाइब्रेशन भी अच्छे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, सेवा में दौड़ नहीं सकते हैं। हाँ गुस्सा हो गया, क्लास हो जाए, रखो रखो चक्कर पट वाला है, दूध जाओ जाओ बोल। तो आपका हिसाब किताब पूरा हो रहा है, आपको उस समय ये समझना चाहिए या उनको हिम्मत हो तो समझाना चाहिए कि पूरे जन्म में हम राजा थे तो हमने तुमको नक्को नक्को कर दिया होगा, भगा दिया होगा, हमने राज्य से बाहर निकाल दिया होगा, तो अहंकार में आके राजाओं ने तो क्या न क्या विकर्म किए, तो हिसाब किताब आपने पूरा कर लिया, ये तो बड़ी खुशी की बात हुई। वो अपना हिसाब किताब पूरा न करे, पूरा तो करेंगे ना, मेला होने वाला है, और तो मेले मेला भरे होते ही रहते हैं। ये अभी तक सारी रावण खत्म, अभी जाने नहीं है, टेक्स्टों को ध्यान से सुना करिए, बार बार बोल सकते हो,
नारायण के चित्र में हाँ जी हाँ जी नारायण तो शंकर जी महाराज है शंकर को कहीं अजेर भुजाएं दिखाई जाती है अरे कोई मोती है मोती माने चैतन्य मोती है या कोई जड़ मोती है जो नारायण है वो तो शंकर का पार्ट है ना और जो लक्ष्मी है वो ब्रह्मा तो वैष्णो देवी है तो विष्णु को या ब्रह्मा को अनेक भुजाएं दिखाई जाती है शंकर को अनेक सहयोगी सदाकाल नहीं रह सकते उसका कोई सदाकाल सहयोग नहीं दे सकता है जो कड़क पुरुषार्थ है ना जन्मों के बाप से लड़ाई करके लेके अंत में जाकर दूसरे जन्मों में कन्वर्ट हो जाती है वो अष्ट देवों की बात नहीं है नव रत्नों की बात है अष्ट रत्नों की बात है वो लड़ाई लड़ते हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों के हेड्स हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों के हेड्स हैं जो मनमत मिक्स करते हैं वो लड़ते हैं किसके साथ लड़ते हैं किसके साथ लड़ाई लड़ते हैं उस बाप के साथ लड़ाई लड़ते हैं जो अपनी मनमत मिक्स नहीं करता या मनुष्यों की मत से प्रभावित नहीं होता उससे लड़ाई होती हाँ जी अष्टदेवों की बात नहीं है अष्टदेव तो सूर्यवंशी होते हैं जैसा ज्ञान सूर्य बाप वैसी क्वालिटी वाले अष्टदेव ब्रह्मा तो बच्चा है ना ब्रह्मा तो कृष्ण बच्चा की सोल है और राम राम तो बाप को कहा जाता है तो बाप में और बच्चे में कुछ अंतर होगा या नहीं होगा बच्चा भी चंचलता कर सकता है हाँ जी हाँ जी राजा भोज है राजा भोज है अच्छा तो सरस्वती काली की दास थी क्या या ब्रह्मा काली का दास था और तो कहते हैं अच्छे अच्छे लिखे हैं तो सोचना पड़ेगा ना कि कालिदास कौन और तुलसीदास कौन काली कौन और तुलसी कौन बाबा बताएंगे ध्यान में सारा क्लियर कर दिया काली कौन जगदम्बा ही काली बनती है वो ही तुलसी बनती है तुलसी दो तरह की होती है एक ज्यादा व्यभिचारी बन जाती है तो काली हो जाती है और एक आंगन में रखी जाती है अंदर कमरे में नहीं फैलाई जाती हाँ जी बनना नहीं चाहिए है महाकवि है ना कालिदास और तुलसीदास महाकवि नहीं है है हाँ जी कहते हैं जो लास्ट अंतिम
हां तो सत्य के कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे हैं जो नक्षदेव हैं वो विनाश का कार्य करेंगे तो वो अच्छा काम नहीं होगा हैं सबसे अच्छा काम कोई आप लगता है वो काम क्यों लिया है विनाश होता है अपवित्रता से और स्थापना होती है पवित्रता से हैं क्या अरे चार मुख्य धर्म होते हैं देवता इस्लामी बौद्ध और क्रिश्चियन देवता धर्म का जो बीज है वो तो प्रजापिता हो गया बाकी कितने रहेंगे इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन वही तो यादव है यादवों का काम क्या होता है मूसल बनाना और मूसल गुण तो तीन भी हो गया ज्यादा बना नहीं क्या हाँ हाँ जी हाँ जी जो जो जिस धर्म से कनेक्टेड होंगे जो बीज उस धर्म की आत्माएं होंगी नहीं बाहर की आत्मा जनरल पब्लिक की नहीं होगी बीके से ही होगी हाँ जी क्यों नहीं प्रवेश करेंगे जो जिस धर्म से कनेक्टेड बीज रूप आत्मा होगी जिस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ होगा या जितने धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ होगा वो आत्मा उनमें प्रवेश करेंगी हाँ प्रवेश कर सकती प्रवेश करेंगे क्यों नहीं और कौन वही तो प्रवेश करेंगे और कौन करेंगे बीके भी प्रवेश करेंगे बीके 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 भी प्रवेश करेंगे जो पीवी के ऐसे योग्य होंगे जिनके लिए बोला है अगर भक्ति मार्ग के संस्कार को बहुत कड़क होंगे रह जाएंगे 100% स्टेज में पहुंचे हुए होंगे तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा शरीर छोड़ेंगे अचानक शरीर छोड़ेंगे तो भूत प्रेत बनेंगे सूक्ष्म शरीरधारी बनेंगे तो प्रवेश करेंगे हैं हाँ जी हाँ अगर अचानक शरीर छोड़ते हैं तो प्रवेश करते हैं पहले क्यों जन्म लेंगे एडवांस पार्टी वाले तो जन्म लेंगे ही लेंगे क्योंकि उनकी बुद्धि में एक बार ये संकल्प बैठ गया है निश्चय बैठ गया है कि हमको पंचन काया बनानी है तो शरीर छोड़ देंगे तो भी उनको दोबारा जन्म लेकर के पंचन काया बनानी ही पड़ेगी क्योंकि संकल्प का बीज पड़ गया निश्चयात्मक बुद्धि को तभी तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है और बिल्कुल है टाइम क्यों नहीं और 2036 तक टाइम पड़ा हुआ टाइम नहीं है बच्चों को जन्म लेने का टाइम नहीं है और क्या हाँ छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते रहे जन्म लेने से पहले बीज रूप आत्मा का पाठ बजाएंगे हाँ जी अरे जी क्या नहीं वो छोटी नहीं वो तो नहीं छोड़ा उन्होंने तो ये कि वो संभाला कराची में गए इसीलिए थे तो संभालते रहेंगे झगड़ा हुआ प्रजापिता का ग्रुप ज्यादा पावरफुल पड़ा ज्यादा गिलानी हुई
तो अम्मा ज्यादा ग्लानी सहन कर सकती है समाज की या बाप से तो ग्लानी सहन कर सकता है। बाप में ज्यादा ताकत होती है लोग लाज का मुकाबला करने की और अम्मा में लोग लाज का मुकाबला करने की ताकत नहीं होती। तो बाप करी ये भी मिटाई नहीं है सर तो छोड़ के चला गया फिर छोड़ गया अच्छा अच्छा फिर छोड़ दिए डांस भी गुम कर दिए तो क्या हुआ क्या लाश किसकी रह जाती है लाश किसी की रह जाती है क्या गुम कर दिया हाँ करती होगी नाम निशान गुम कर दिया नाम निशान गुम कर दिया लाश जो बातें बोली जाती है वो बातें सन्मुख बोली जाती है तो कुछ असर दूसरा करती है फिर तो उनको प्रिंट कर दिया जाता है वो प्रिंट किया हुआ सारा मिट्टी में दबा दिया जाए जैसा कि ये चेहरा है ना वो खत्म हो गया ना है? ये तो दीदी दादियों से पूछना पड़ेगा ना मुरली में तो स्पष्ट बताया नहीं है जब झगड़ा हुआ तब गए बाबा बांदरी माता को पति को बहुत बंधन है बाबा बांदरी माता को बंधन ज्यादा याद नहीं आती फायदा भी तो है पति का बहुत बंधन है पति का बंधन है तो जिनको बंधन ज्यादा होता है उनके मन को तो कोई नहीं बांध सकता जो व्यक्ति अंधे होते हैं उनकी दूसरी इंद्रियां और तेज हो जाती है होती है कि नहीं तो ऐसे जो माता है जिनकी सारी इंद्रियों को बांध लिया लेकिन मन तो कोई बांधने में आता नहीं तो ज्यादा याद मन बुद्धि से होती है या इंद्रियों से होती है तो ज्यादा फायदे में भी तो है ज्यादा पाप कर्म भस्म होंगे आगे बढ़ सकती है गुण दोष मई शक्ति है किसी बात में रोना नहीं चाहिए दुखी नहीं होना चाहिए क्या पॉजिटिव बातें उठा लेना नेगेटिव बातों को छोड़ देना पॉजिटिव बातें उठाने से खुशी होती है नेगेटिव बात उठाने से दुख पैदा होता है। हाँ जी और मेरी माता क्यों नहीं पोला पोता मिल सकती जो जो भी सत्संग में जाते थे उनके पति और उनको जो भी डील करता था उनके पति उस समय सारे एगी को हैंडलिंग कौन करता था मुर्गियों के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे ड्रिल कराते थे पीछे बन करके बैठते थे तो सत्संग कराने वाले जो मुखिया होंगे उन्हीं की सबसे ज्यादा ग्लानी होगी या जो स्टूडेंट के रूप में बैठने वाले होंगे उनकी होगी है? जो आज में श्रीकृष्ण होगा वो अंत में श्रीकृष्ण नहीं होगा कृष्ण नाम शरीरधारी का है या आत्मा का है जादूगर नहीं हो तो अखबारों में पढ़ा अमेरिका के अखबारों में हाँ कि वो अखबारों में ये पढ़ा कि हिंदुस्तान में कोई एक जौहरी निकला है वो कहता है 300-400 तो मिल गई है अभी 16,000 रानियां चाहिए तो ये ज्ञानी हुई ना अखबारों में सबसे जास्ती ग्लानी किसकी होती है ग्लानी या महिमा साकार की होती है या निराकार की होती है तो कोई साकार हुआ होगा ना मुरली बोला सबसे जास्ती ग्लानी मेरी होती है उसके बाद ब्रह्मा की होती है तो पहले पार्ट बाप का चला ये भी मैं या माँ का चला बात है कितने बार ऐसा
अस्सी रूपी चक्र कहो ड्रामा कहो ये अनादि है। काल चक्र अनादि है, आत्माएं अनादि है, आत्मा का पार्ट अनादि है, परमात्मा अनादि है, परमात्मा का पार्ट भी अनादि है। जो अनादि है उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कब आदि हुआ है, तो वेद निकालने वाले पूछते हैं ये प्रश्न। एडवांस में आने वाले तो परिपक्व हो जाने चाहिए।